हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है अभी अभी 20 मिनट पहले। अतुल, सॉरी, माफ़ कीजिएगा, हिचकी आ रहा है, कोई याद कर रहा है। 20 मिनट पहले अतुल प्रसाद जी लाइव आए थे और उन्होंने एक बहुत बड़ी अपडेट दी है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए, कि जो लोग सोच रहे थे कि कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाने वाला है, तो अब दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि उन्होंने आज फिर बदलाव किया है लाइव में आकर के। जो पेपर चेक हो रहे हैं उसमें क्वेश्चन जो था, जो कि सभी लोग बनाए हैं, सभी लोग पढ़े हैं का, तो क्या हुआ है कि जो कट ऑफ है, जो मिनिमम 36 नंबर और 40 नंबर था, वो उससे ज़्यादा होने वाला है, ठीक ना? अभी लाइव जो बोले हैं उसको मैं आप खुद सुनाऊंगा और दिखाऊंगा भी आप लोगों को, ठीक ना? क्योंकि जब प्राइमरी, देखिए, प्राइमरी का जो रिजल्ट होगा ना, वो बीएड से बेहतर होगा, ठीक? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बीएड वाले भी प्राइमरी वाले में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक ना? एक कब की कंडीशन थी, एग्जाम के समय जब फॉर्म भरा जा रहा था तब की, लेकिन जब रिजल्ट की बारी आई, रिजल्ट की बारी आई, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे अनाउंस कर दिया, भाई अलग, जब बीएड हटेगा तो डीएलएड वालों की जो रिजल्ट होगी वो, चूंकि बीएड, देखिए, संख्या ज़्यादा था, ठीक ना, तो बीएड वाले हट गए तो ऐसे ही संख्या आप लोगों की कम हो गई। तो जाहिर सी बात है, जो कम नंबर वाले होंगे, डीएलएड की बात कर रहे हैं, प्राइमरी 1 to 5, तो उसमें 36 नंबर है तो आप पास आए दोस्तों। मैंने पहले भी बोला था और अभी कंफर्म कर रहे हैं लाइव जो अतुल प्रसाद आए थे उनके मुताबिक। और देखिए, और इसमें एक और बात है, चूंकि फॉर्म की संख्या आवश्यकता से ज़्यादा गिरी है, ठीक ना, आवश्यकता से ज़्यादा गिरी है, तो 25% ही रिजल्ट देंगे। कितना? 25% रिजल्ट देंगे और 75% फेल करेंगे, ठीक ना? संख्या के अकॉर्डिंग यानी जितना है उसका आपका 75% रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को प्राइमरी के लिए, ठीक ना? और जैसे कि क्या था, 57,000 सीट था, किसके लिए? 57,000 सीट था आपका 11th 12th के लिए। तो इसमें जो था ना, इस पर एक से मतलब 90.90% आपका रिजल्ट आने वाला है 11th 12th में। 57,000 का 1% से भी कम रिजल्ट आएगा, याद रखिएगा। अतुल प्रसाद ने बोला अभी, ठीक, और पहले भी मैंने बोला था, 11th और 12th का 57,000 जो है, इसका जो रिजल्ट आने वाला है 1% से भी कम आएगा, और इसका जो 9th 10th का है उसका जो रिजल्ट आएगा वो 1.5% आएगा, ठीक, 1.5 गुना, ठीक ना, 1.5% आएगा, याद रखिएगा, यानी 2% से कम रहेगा, 1.5 और 2 के बीच रहेगा आपका 9th 10th का। लेकिन सबसे ज़्यादा रिजल्ट देगा प्राइमरी में 1 to 5 का है दोस्तों, याद रखिएगा, 1 to 5 में ज़्यादा रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक। तो यही अतुल प्रसाद आए थे कि थोड़ा कटअप जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, यानी 50 के अप्रोक्स में जाएगा। अतुल प्रसाद सर ने बोला कि 50 लगभग जो है, वो 50 जिनका आ रहा है उन वो खुश हैं, खुशी मनाइए, प्राइमरी में ज़्यादा आ जाएगा मिनिमम, क्योंकि संख्या उसमें ज़्यादा, इसलिए 36 नंबर वाले भी उसमें पास होंगे। अतुल प्रसाद जी ने खंडन कर दिया, ठीक ना दोस्तों? देख, चलिए हम सुनवा देते हैं जो अतुल प्रसाद ने बोला है, उसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक ना, जो मीडिया बंधु गए थे, तो वो है, आप सुन लीजिए, ठीक ना, और फिर जैसा अपडेट मिलेगा हम आपको देते रहेंगे, ठीक है दोस्तों? तो चलिए देख लीजिए आप। ST ST वाले हैं इसमें, इसलिए सब सबके सब मैं समझता हूँ कि इसमें बिहार के ही निवासी होंगे, होना चाहिए। और इसमें हम लोग उनको अपने गृह जिला में ही ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की व्यवस्था करेंगे, ताकि उनको ज्यादा इधर उधर भटकना न पड़े। लेकिन एक सीमित समय देंगे हम उन्हें, और उसी सीमित समय के अंदर में उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है और अपना जो मेडिकल कराना है, जो दिव्यांगजन है, और अगर उसमें कोई मेडिकल में अगर उनको रेफर किया जाता है IGIMS में या किसी और हॉस्पिटल में, तो वहां उनको जाकर के इसको करवाना होगा, ताकि हम समय पर रहते हुए, मतलब
मेरा मानना है कि 15 सितंबर तक अगर सब कुछ अपनी योजना के हिसाब से चलेगा अगर, तो 15 सितंबर तक इन लोगों का मैं परीक्षा फल देने की स्थिति में रहूंगा। और जहां तक प्राथमिक की बात है, वो मैंने पहले ही बताया कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, और लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक प्राथमिक के अलावे जितने लोग हम लोग कर चुके रहेंगे, तो प्राथमिक वाले में थोड़ा सा विलंब है। और विलंब का कारण एक तो यह है कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और उसमें हमें कई तरह की चेकिंग करनी है, और दूसरा जो बीएड वर्सेस बीटीसी का भी एक मुद्दा है। इसलिए इन सबको ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगा। मैंने अपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा भी था कि 20 से 25 के बीच के आसपास में मेरा मानना है, उसका से पहले भी हम लोग स्टार्ट कर सकें, लेकिन लगभग उसी वही समय रहेगा। मानना है कि अगर आप कुछ एक विषय को अगर छोड़ दें, मैंने तो जो देखा है उसके हिसाब से 9th-10th में सिर्फ 4 विषय, और हायर सेकेंडरी में मतलब 11th-12th में सिर्फ 3 विषय को अगर छोड़ दें, मतलब कि 7 विषय को अगर छोड़ दें, तो बाकी किसी भी विषय में कट ऑफ के लिए चर्चा करना, विमर्श करना या उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत इसलिए नहीं है कि उसमें मैंने अपने ट्वीट के माध्यम से भी लोगों को एक तरह संकेत देने का कोशिश किया है, लोग उसका सही सही से नहीं समझ सके, तो फिर मैंने आज हिंदी में भी उसको स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग इन 7 विषयों को छोड़ करके अन्य विषय के जो अभ्यर्थी हैं, अगर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते, मतलब अयोग्य नहीं हो जाते हैं, तो उनकी नियुक्ति उनका पक्का है, क्योंकि वैकेंसी है ज्यादा और अभ्यर्थी कम है उसमें। लेकिन यही स्थिति बाकी में नहीं है। अब जहां तक बाकी जो 7 विषय बचते हैं इसमें, उसमें प्रतियोगिता तो रहेगी, और वो गेस करना मेरे लिए सही नहीं होगा वो बताना, क्योंकि मेरा मानना है कि सभी अभ्यर्थी अच्छे हैं और काफ़ी मेहनत करके आए हैं, तो स्वाभाविक है कि कट ऑफ भी अच्छा ही रहेगा। फिर अगर प्रश्न पत्र कहीं पर अगर कठिन आ भी गया अगर, तो भी इतनी बड़ी संख्या में कई अच्छे अभ्यर्थी होंगे, क्योंकि अगर प्राइमरी का भी अगर लिया जाए तो इतनी बड़ी संख्या में है, तो कट ऑफ मतलब अच्छा होगा, कितना होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। पहला कि हमारे जो प्रावधान थे वो पहले से दिए हुए थे, जो सरकार की नियमावली में ही घोषित है कि एनसीटीई का जो भी होगा परामर्श, उस पर सरकार का जो भी निर्णय होगा वही लागू होगा। तो अगर वो परिवर्तित हो जाता है तो वो परिवर्तित हो ही जाएगा। दूसरा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो एक तरह से फोर्स मेजोर कंडीशन है। फोर्स मेजोर कंडीशन का यह है कि जो बाहरी कारणों से, अगर जिस पर मेरा नियंत्रण नहीं है, अगर उन कारणों से अगर कोई स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसमें हमें वापस करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।